रियलमी ने रियलमी 7 आज लॉन्च कर दिया, आज उसका पहला ब्लाइंड सेल था और मैंने स्मार्टफोन ऑर्डर भी कर दिया, तो आप रियलमी 7 का डेडिकेटेड वीडियोस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर काफ़ी लोगों को ये डाउट है कि क्या रियलमी 7 एक अपग्रेड है रियलमी 6 के ऊपर। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई ओवर प्राइस स्मार्टफोन है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इस प्रोसेसर की ज़रूरत क्या है क्योंकि पबजी तो बैन हो गया, हम कहाँ पे इसे यूटिलाइज करेंगे। मैं इन बातों में अपने ओपिनियंस देने वाला हूँ, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को शुरू करते हैं। 2 दिन पहले मैंने रियलमी 7 के कन्फर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में वीडियो बनाया था एंड जो भी स्पेसिफिकेशन इस वीडियो में बताया कन्फर्म निकला, बस मैंने प्राइसिंग को थोड़ा सा हाई एक्सपेक्ट कर लिया था बट रियलमी वालों ने कसम से सरप्राइज कर दिया। स्पेसिफिकेशन मैं जल्दी से बता देता हूँ, इसमें आपको 6.5 इंचेस का FHD प्लस 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाता है जो कि आपको रियलमी 6 में भी देखने को मिलता था सेम डिस्प्ले। प्रोसेसर में आपको यहाँ पे अपग्रेड मिल जाता है, हीलियो G95 देखने को मिल जाता है। अब मैं पहली फ्रेंकली बता देता हूँ, ये कोई बड़ा अपग्रेड नहीं है G90T के कंपेरिजन में, माइनर इंप्रूवमेंट्स है GPU डिपार्टमेंट में, स्पेसिफिकली 5% का आपको अपग्रेड या बूस्ट मिल जाता है GPU डिपार्टमेंट में। बट एक चीज़ के लिए मैं स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, G90T हीटिंग इश्यूज़ के लिए जाना चाहता था। आपको पता होगा कि हीटिंग करता है अगर आप 2-2 या 3-3 घंटे लगातार पबजी खेलते हो, चलो पबजी बैन हो गया, कोई भी हार्ड कोर गेम खेलते हो तो उसमें हीटिंग आपको देखने को मिलता है। बट इसमें कार्बन फाइबर कूलिंग देखने को मिल जाता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा रेडमी नोट 8 प्रो G90T है पर वो इतना ज़्यादा हीट नहीं होता था, रियलमी 6 G90T है बट वो हार्ड कोर गेमिंग में हीट होता था क्योंकि रेडमी नोट 8 प्रो में आपको लिक्विड कूलिंग देखने को मिल जाता था। इस उस प्राइस रेंज में रेडमी नोट 8 प्रो में लिक्विड कूलिंग मिलता था। अभी तो यार मतलब ओवर प्राइस हो गया या आउटडेटेड हो गया इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बट सेम चीज़ रियलमी 7 में भी कार्बन फाइबर कूलिंग है और इनके वेबसाइट में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 8.6% से ये काम करेगा और आपका जो कूलिंग देखने को मिलेगा। देखते हैं अब जब हाथ में आएगा तभी पता लगेगा कि ये कैसा काम कर रहा है, बट मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना ज़्यादा ओवरहीट तो ज़रूर नहीं होगा जैसा G90T होता था या देखने को मिलता था। अगर इसके एंटीट्यूड स्कोर के बारे में बात करूँ ना तो 3 लाख के आसपास आता है, तो 10,000 पॉइंट्स कुछ G90T से ज़्यादा आता है। तो यस, आप कह सकते हैं कि अपग्रेड है एंड स्पेशली गेमिंग डिपार्टमेंट में आपको हल्का फुल्का चेंजेस या जो है बूस्ट वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कैमरा में भी यहाँ पे अपग्रेड देखने को मिल जाता है, इसमें आपको सोनी का सेंसर मिल जाता है। काफ़ी लोग चिढ़ते हैं कि भाई सैमसंग का सेंसर नहीं चाहिए, तो यस आपको सोनी का सेंसर मिल जाता है। इसमें आपको सोनी का 682 सेंसर मिल जाता है, IMX682 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, फिर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। अभी सैमसंग एंड सोनी सेंसर में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता अगर आप आउटडोर या ब्राइट सिचुएशन में फोटो लेते हो, जब आप लो लाइट में फोटो लेते हो ना तब डेफिनेटली सोनी का सेंसर जहाँ तक मैंने नोटिस किया बेटर परफॉर्म करता है। एंड काफ़ी लोगों का यही कंप्लेंट था कि रियलमी 6 का लो लाइटिंग परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे भी इन्होंने कवर कर दिया। जो सामने वाला सेंसर है वो भी सोनी का ही सेंसर है, IMX471, तो उसमें भी आप थोड़ा सा अपग्रेड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट में आपको 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है एंड इसे जल्दी चार्ज करने के लिए 30W का डार्ट चार्जर मिल जाएगा और कंपनी क्लेम करता है कि 26 मिनट्स में आपको 50% का चार्ज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था कुछ यार अपग्रेड्स, बाकी तो सेम टू सेम है। अगर आप पोर्ट्स का प्लेसमेंट देखोगे वो भी सेम है, फिंगरप्रिंट स्कैनर का प्लेसमेंट जो वो भी सेम है। डिज़ाइन यहाँ पे चेंजेस किया गया है, 2 कलर ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाता है, मिस्ट ब्लू एंड मिस्ट व्हाइट। मैंने स्पेसिफिकली मिस्ट ब्लू मंगवाया क्योंकि सेल करता हूँ ना तो व्हाइट कलर लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, अगर ब्लू रहा या कुछ नॉर्मल कलर्स आना वो जल्दी ले लेते हैं, तो इस वजह से मैंने मिस्ट ब्लू यहाँ पे मंगवाया है। अभी 2 क्वेश्चंस जो मेरे से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई देखो अभी हार्ड कोर गेमिंग हमें करना नहीं है या पबजी बैन हो गया, अभी हम गेमिंग से थोड़ा दूर होने वाले हैं, तो क्या G90T जैसा या G95 जैसा प्रोसेसर जो हाई गेमिंग के लिए जाना जाता है इनकी ज़रूरत है कि नहीं, या परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है इनकी ज़रूरत है कि नहीं। देखो प्रोसेसर जो होता है ना अगर आपका बढ़िया रहा वो सिर्फ आपका गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं बढ़ाता, एक प्रोसेसर में आपके बहुत सारे ISPs देखने को मिल जाते हैं। कैमरा का ISP आपके प्रोसेसर में देखने को मिलता है, नेटवर्क का ISP या वाईफाई रिसेप्शन का ISP। तो आपने नोटिस किया होगा अगर आप एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेते हो तो उसमें जो वाईफाई रिसेप्शन होता है वो भी बढ़िया होता है, जो नेटवर्क रिसेप्शन होता है वो भी बढ़िया होता है। कैमरा में ना आजकल हार्डवेयर कुछ नहीं है भाई, हार्डवेयर आजकल कोई कुछ नहीं कर रहा है। जैसे मेरा iPhone SE देख लो, iPhone SE में आपको 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है बट A13 Bionic के कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी के यूज़ करके जो ये फोटोज़ निकालता है ना लिटरली 40,000 रुपीज़ में कोई नहीं आ सकता, एटलीस्ट इसके जो मेन सेंसर से फोटो निकालता है। यस इसमें एक ही सेंसर है बट बाकी स्मार्टफोन में जिसमें मेन सेंसर और इसके मेन सेंसर से कंपेयर करोगे ना तो लिटरली कोई नहीं आ सकता 40,000 रुपीज़ में। तो कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करता है एंड इन सभी में आपको प्रोसेसर का ही हाथ आपको देखने को मिलता है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि अगर प्रोसेसर बढ़िया रहा तो एक ही चीज़ बढ़िया होता है वो गेमिंग बढ़िया होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेटवर्क हो गया, वाईफाई रिसेप्शन हो गया या आपका कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी हो गया, ऐप ओपनिंग टाइम, बहुत सारी चीज़ें बेटर हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई अभी पबजी बैन हो गया तो अब हीलियो P22 लेके बैठ सकते हो, नहीं। अगर आप ले सकते हो G90T जैसा प्रोसेसर, 720G या 730G ले सकते हो
तो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो कम्प्लीटली यहाँ पे आपको बढ़ जाता है। तो ये मेरा ओपिनियन है। उसके अलावा बाकी सारे लोगों का ये भी कंप्लेन है कि यार ये स्मार्टफोन ओवर प्राइस हमें लग रहा है। बता देता हूँ, GST हाइक से पहले, हाइक से पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तो प्राइस बढ़ गया रियलमी 6 का, बट GST हाइक से पहले ना रियलमी 6 लॉन्च हुआ था 13,000 रुपये का, 4GB रैम 64GB रोम, और उसका जो 6GB रैम वर्जन था वो 14,000 रुपीज़ के आसपास हमें देखने को मिलता था, ठीक है। एंड रियलमी 7 का 6GB रैम 64GB रैम ही बेस वेरिएंट है एंड ये हमें मिलता है 15,000 रुपीज़ में। एंड 15,000 रुपीज़ में आपको कार्बन फाइबर कूलिंग मिल जाता है, सोने का सेंसर मिल जाता है, बड़ी बैटरी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल मेरे को यार ओवर प्राइस किसी भी एंगल से नहीं लगा। ओके, आपको ही बताएगा कि ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है, बट यार ये भी देखना पड़ेगा, कोविड टाइम्स है, सप्लाई चेन इशूज़ है। काफ़ी सारे लोग मेरे से जो अपने कमेंट सेक्शन में उसमें आर्ग्यू कर रहे थे कि भाई अब तो कोविड वगैरह चला गया। यस चला गया, बट हमारे हाथ पर में बहुत सारे जो चाइना से इंपोर्ट्स हो रहे हैं वो वहीं पे काफ़ी डिले किया जा रहा है, जहाँ तक मैंने न्यूज़ में पढ़ा था। तो इस वजह से भी थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, आने वाले टाइम में ये सब ठीक हो जाएगा। अभी रियलमी 6 लेना है या रियलमी 7 लेना है ये मैं बता पाऊंगा जब मेरे हाथ में आएगा। मैंने अभी ऑर्डर कर दिया, आज ऑर्डर कर दिया। रियलमी की वेबसाइट पे ये मेंशन है कि जिस दिन मैं पेमेंट कर दूंगा, मैंने फुल पेमेंट आज कर दिया, तो उसी दिन मेरा डिस्पैच हो जाएगा। देखते कितने दिन में आता है। तो आप स्टे ट्यून्ड रह सकते हैं बहुत सारे डेडिकेटेड वीडियोज़ के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।